आप आंखी डबडबा गए आप फिर से उदी रोवत रहो आ जाओ रोवत टाइप हो गए तो ए तो खुशी मोला हर इंसान हर देवा थे लेकिन बेटा नहीं है ता ओकर से खुशी है कमी छे बेटा 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 छोटे ईश्वर साहू जी वहां नागपुर तक में काम करे लगे हां सबे कोई गए रहे नागपुर हां ईश्वर के बाप है ना रिक्शा चलावे हां और मैं मार्केट में बोझाऊ जा हां नान नान छोटे छोटे लड़का मन छोड़ के जावन हम हां कैसे गरीबी हाथ ला हेलन तेल हम ही जान हां चला रिक्शा आए 60 साल की उम्र में हम विधायक के पास हमर बोले का औकात नहीं रही से और हम गरीब आदमी है ना तो हम अपने जैसे ईश्वर भाई ला का के थी जिताए हमन अच्छा भैया जिंदाबाद पधारी कलश पधारी कलश उर्दा साझा क्षेत्र क्रमांक से जी तुम जिताओ तुम्हें तो सब पसीना को बचाया हो अभी पानी की विधायक ने देखे बनाए हैं ईश्वर भैया कई जन मन बड़े बड़े नेता बने के बाद घर द्वारा छोड़ दे पुराना दिल ना भुला जाते ऐसे नहीं हुई नहीं वैसे नहीं हम दुख होली घर हवे हम गरीब हन और गरीब रहो और गरीबी से रोजी मजूरी करके दो रोटी खाबो वही चैन से जिंदगी जीबो हम नमस्कार जय जवाहर। आज से कुछ दिन पहले जब मैं आया था तब मैं आपको बताया था कि मैं भाजपा प्रत्याशी साझा के ईश्वर साहू के घर में आ रहा हूं और ये गली जो आप देख सकते हैं ये बारिश चूंकि हो रही है बारिश के बीच में आज हम पहुंचे हुए हैं चूंकि ईश्वर साहू जो है अप विधायक बन गए हैं चुनाव जीत गए हैं रविंद्र चौबे को वो हरा चुके हैं और आज आपको विधायक निवास दिखाने वाला हूँ विधायक ईश्वर साहू का घर दिखाने वाला हूँ। इससे पहले भी जो लोग देखे हैं वो जानते हैं ये देख सकते हैं कि चूंकि बारिश हो रही है बारिश के बीच में लगातार लोग मिलने जुलने वाले आए ये जो लोग बता रही है कवर्धा से आए हुए हैं तो जो लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं वो घर तक भी जा रहे हैं देखने के लिए कि ईश्वर साहू जी का घर कैसा है वो घर कौन सा है भुवनेश्वर साहू का जहाँ पे जिसकी इतनी बड़ी चीज़ें हुई थी घटना हुआ था और चूंकि ईश्वर साहू जी की धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है उस दिन भी बात हुई थी आप लगाड़ा गाड़ा बधाई हो बधाई हो भाई आप मतलब भी बधाई हो हाँ। ये नहीं बोलो कि जीत के कैसे लगा थे काबर की अवस्था भाई से बात खुशी लगा थे लेकिन अतक बड़े जीत आप विश्वास रही से हाँ विश्वास विश्वास काबर नहीं रही ये तो हमारे जतका हिंदू समाज के दादा भाई है वो मन है मोर साथ दी से और मैं नहीं जीते जनता जनार्दन पूरा साथ दी से हुई मन जीती सावे अतक उठले उम्मीद रही से कि कहीं ज्यादा रही सऊ अब उम्मीद रही से जब सुन ना जनता साथ दी से नहीं मैं कहा ज्यादा वोट मिलती इसका अब जत का किस्मत में उतकेच मिली से जी हां ईम हम बहुत खुश आवन जी आप आंखी डबडबा गए आप फिर से उदी रोवत रहो आ जाओ रोवत टाइप हो गया तो ए तो खुशी मोला हर इंसान हर देवा थे लेकिन बेटा नहीं है ता ओकर से खुशी है कमी छे बेटा 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 छोटे बेटा ला बेटा मोला आज 5 मुठा माटी देती ताज बेटल में धरती बराबर करे हूं तो कतको बड़े खुशी मिली फिर भी मोर बर कमी छे लेकिन 4 के सामने में खुशी तो मनाहू छे अब भुवनेश्वर ला न्याय मिल जही जे न्याय पर तुम लड़े हो जे न्याय पर चुनाव मैदान में उतरे रहे हो अब मैदान तो जीत गए हो अब न्याय की बात हुई अब ठीक है तो का कहूँ अभी सरकार चुके बनने वाला भाजपा के ईश्वर साहू जी में हिस्सा रही का कहूँ मैं ओ में हम कहबो अब ओकर आशीर्वाद मिल गए और जैसे जैसे ओकर आदेश आई ओला हम पूरा करबो दाई भाई बहनी जो गरीब है हमला साथ दी से हम गरीब ला नहीं छोड़न कई जन मन बड़े बड़े नेता बने के बाद घर द्वारा छोड़ दे पुराना दिल ना भुला जाते ऐसे नहीं हुई नहीं वैसे नहीं हम दुख होली घर हवे हम गरीब हन और गरीब रहो और गरीबी से रोजी मजूरी करके दो रोटी खाबो वही चैन से जिंदगी जीबो हम अब तो काम जब बढ़ जाही ईश्वर साहू जी के पहली चुनाव प्रचार पर जल्दी जावत रही सब तो विधायक बन गए काम बूता ज्यादा हो जी ऊपर हाँ तो जैसे जैसे दिन आई वैसे ही ओकरो बढ़ी वो तो जनता आगे बढ़ई से और वो मोदी जी के देने बार बार धन्यवाद करत हूँ जनता जतका दादा भाई है ओकरो से धन्यवाद करत हूँ ते अपन इंसाफ ला पूरा कर लीस मोर बेटा इंसाफ दे दी सब मिल गई इंसाफ
उकर बार बार धन्यवाद करत इस बार साहू जी हा जब प्रचार में जाए तो भात भासी खाक जाए मतलब बता दी कि मैं बासी और चटनी खाता हूँ और टमाटर के चटनी खवाई हूँ दाल भात हम ज्यादा जाना नहीं दूसरा सब्जी वगैरह तो हम तो चटनी बासी खवैयान और वही खा के जिंदगी चला तन वैसे खात खात हम गरीबी में अपन खुश भी रहबो बिल्कुल चटनी रोटी खा के चटनी बासी खा के नमक साथ भी खा के अपन खुश रहबो अतक बड़े आदमी सन चुनाव हुई से रविंद्र चौबे बहुत बड़े नेता रहे हो आप 7 बार विधायक रह चुके हैं 9 बार चुनाव लड़े हैं तो कभी मन में ख्याल तो नहीं आ रही इसकी हार तो नहीं जब हो नहीं हम एक दर्द के हम रहे हैं और वही दर्द ल हम हर गांव गांव गए हैं और हर दाई बहनी भाई से हमें बोले मोला इंसाफ नहीं मिले भाई बहनी हो मैं इंसाफ के भीख मंगत हूँ झोली फैला के भीख मांगे हों और पूरा जनता से मैं आशीर्वाद ले हूँ भुवनेश्वर के दादी कहाँ है वो जो लास्ट टाइम गोठिया रहे हो दाई सन में है ओकर सन गोठिया लेते हो खबर की वो दिन दाई है और रोड अलेरी से दाई प्रणाम प्रणाम कितना दादा हो जी दादा आओ अब विधायक बन गया विधायक के माँ बन गए हो आप हाँ हाँ विधायक के माँ बन गए सब त्या हाँ हो कभी सोचे नहीं रहे हो भाई बेटा विधायक बनी गरीब मान के का सोच बो दादा वो सोचे घलक रहे हैं हाँ। सोचे घलक रहे हैं बेटा हो चार जन बेटा हो कोई धनवान गुणवान नहीं लिख ले अब बुढ़त काल बेटा देखा दिस अपन गुण ला अपन यह ला और कैसे करके हम गरीबी हालत ला झेलन तेल हम जानबो काम करे दाई हाँ? खेती किसानी कर औ कई दूर भैया बता दे ईश्वर साहू जी वहा नागपुर तक में काम करे हाँ सब कोई गे रहे हैं नागपुर ईश्वर हाँ? के बाप है ना रिक्शा चलावे हाँ? और मैं मार्केट में बोझा हाँ? नान नान छोटे छोटे लड़का मैं छोड़ के जवान हम हाँ कैसे गरीबी हाथ झेल तेल हम ही जान हाँ चला रिक्शा हाँ नागपुर नागपुर में ईश्वर साहू जी तो वही चीज काम करे जिसे हाँ वही काम करे हाँ वही काम क्या काम करे वो अब रिक्शा बस साग भाजी डोहारे रिक्शा में ये आदमी ऐसे डोहारे ले गए अब विधायक बन के का कबे का काम करना है बर्तिला बता दे पहली अब का अब हम सियान हो गए का काम करे सब दादा नहीं ईश्वर साहू का काम करही अब जनता वाला खड़ा करे है जनता के सहयोग कर ही अब वो जनता काम कर ही जनता के अपन जैसे जनता अपन बतावा जाए अपन ये है ला तैसन कर ही भुवनेश्वर ला न्याय मिल जाए ना जिसका न्याय पर लड़ी सो हाँ नहीं याद तो रोज आती हुई हाँ रोज आते याद कैसे नहीं आई वो कब बेटा जवान बेटा गेत कैसे याद ठीक है अभी देखो जैसे लोगन लगातार लोगन मिले पर आवाज आ रहा थे यहाँ पे और देख सकते हो दूर दूर से लोग आए हुए हैं और दूर दूर से लोग आए हुए ईश्वर साहू जी घर से मिलने जी जी ये भाचस का ईश्वर ईश्वर के अब तो मामा विधायक बन गए हैं कहाँ रही थस रायपुर रायपुर थस कब से आते हैं मैं कल से मामा के साथ ही आया हूँ रायपुर से ही आया अच्छा रायपुर में साथ रहे कहाँ वहाँ रायपुर में काकर से मिले हो रायपुर में अरुण साहू जी से मुलाकात हुई से और बहुत जन साथ हुई से ठीक है आप देख सकते हो कि दो खोली के जो घर है यहाँ पे खुशवंत से कहो थोड़ा नजदीक आ जाए भाई ये घर में इतने सारे लोग आ गए हैं कि जगह नहीं हो रहा बैठने के लिए और ये देख सकते हो कि ये ईश्वर साहू जी के जो है परिवार वाले हैं अब विधायक बनने के बाद जो है हालांकि प्रचार के दिन से ही लोग लगातार आए हुए पहले दिन से कैसे दाई पहले दिन ले तुम साथ में हे बेटा मैं गजब भी नहीं करत रहे बेटा मोर महाप्रसाद के कका बेटा है दुल्हन यही घर अब उठी मैं ईश्वर साहू के निवास में हमन मौजूद हवन और परिवार वाले मन लगातार आवाज जाते कहाँ कर भैया मैं केवतरा केवतरा के केवतरा के रहने वाला हूँ विधायक बन गए अब तो विधायक ईश्वर साहू जी आप ईश्वर साहू समधी का बेटा है अरे वाह बेटा है वो और भुवनेश्वर साहू का जो हत्या हुआ था ना उनका इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश किए और भगवान के मर्जी से उनको इंसाफ मिल गया चुनाव जीते अभी भी फरार है कहा थे फरार है वो कहाँ जाएंगे छत्तीसगढ़ छोड़ के जाएंगे फिर भी नहीं बचेंगे उनको तो सजा दिलाना ही है
मैं नहीं बोले दादा हिल के है हाँ। नहीं कहा कैसे लगा तेला बता ना ईश्वर साहू जी विधायक ईश्वर साहू बढ़िया बहुत बढ़िया लगा बहुत सुकून लगा थे ईश्वर साहू है ओखर बच्चा के अपन झोली फैला के भीख मांगे है ओला भीख के हिसाब मिल गए बेचारा ला और चार गाँव गौटिया कहा गया वहाँ नेता कहा गया संसार के गौटे नहीं बढ़ती रहा है नहीं नहीं कहो के वो नहीं यार बोले दादा जय राम बोल दे जय राम दादा हाँ जय राम ईश्वर भैया जिंदाबाद ईश्वर भैया जिंदाबाद 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 जय जय श्री राम। देखो किस तरह से माहौल कहाँ था जिंदाबाद पधारी कलश पूर्दा साझा क्षेत्र करमागंज से जी तुम जिताओ तुम्ही मन तो सब पसीना को बचाया हो हैं मेन कार्यकर्ता है हम भाजपा का बंसीलाल साहू धमदा का क्षेत्र करवाओ मुलाकात हुई से हो गया सर हो गया तेरा धर्म अच्छे हम आदमी हुए हम लोग का उसके साथ नहीं घर तुम पहले आओ यही आया सीधा गाड़ी से यही चले आ रहे हो जी सर विधायक के घर कैसे करके नहीं 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 सर हम भी गरीब आदमी हैं उसकी तरह हम भी व्यापारी गरीब व्यापारी राष्ट्र की गरीबारी अभी पानी के लिए विधायक ने देखे बनाए हैं जी कहाँ पानी भीगा था सर अब विधायक ने देखे पानी गिरे रिश्ता वो आवाज होने रे गुलाल लगाए हुआ तो आना जरूरी अरे भाई भाई हम ओखर भर रात दिन झूले हन त एक कनी गुलाल लगाए में हमला आउ दुख पाली ऐसे ढंग के आमन आ अरे ता पानी गिरत में आता भैया मैं इतना प्रेम है मोर बत तो का पूछे और मालिक जानी मिले तब से ना मैं खर पाछू में रहच रे अब मेरी तो हाथी डो हाथी रोप का ये तो गाड़ा टिकरा पर पूरी राज बिकर धुड़े यहाँ से गद भीग के साहब तबीयत तबीयत खराब हो जी तो अरे नहीं हो है नहीं हो है गरीब वालन कोई बात नहीं है और ये गरीब हो तो वो चली हुई सही था हां दूध पानी प्यास सब ला कट्टर हिंदू सब ला सकती पड़ेगा कट्टर हिंदू कोई फर्क पड़बे नहीं करे अब गरीब ला कब बुखार नहीं धरे नहीं धरे गरीब ला कब बुखार नहीं धरे ख्याल रखे करो सेहत पानी के हां सवाल था हां चलो भैया गरीबे मनाए हन टेस्ट टास वाले मन तो कोनो नहीं आए हैं हाँ अभी देखे में ऐसे लगावा थे आत रही जे बड़े नेता मन है तो कहाँ वो घर तीर में ही जा सकत रहे हैं अभी टीका लगा पाँव पर क्या हुआ गले मिल के आओ हाँ गले मिल के ही आओ थन हाँ मस्त हाथ जोड़े से हम उम्र जोड़े हैं अरे तो घर ल भी चलो आज हम के घर ल भी आने दे हां ल तक देखे बड़े दा आओगे बड़े घर नहीं है जहां जगह नहीं रहे हां नहीं है पता जन आदमी होगे कि हम खड़े सबके दिल में ओखर जगह है ना का इसे ना हां दिल में है इस बार भैया जिंदाबाद इस बार भैया जिंदाबाद इस बार भैया जिंदाबाद जय श्री राम जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भारी खुशी होगी जी सलगत भारी भारी खुशी गरीब के पावर आ गए पहले तो हम तो दर्शन करे पर तरसत रहे हैं अब एक में आवत हैं डरे डरे चलत रहे अब थोड़ा चलो ठीक है तो ये ईश्वर साहू का घर है निवास है विधायक ईश्वर साहू का विधायक बन गए हैं और 60 साल की उम्र में हम विधायक के पास हमारे बोले का औकात नहीं रही से और हम गरीब आदमी है ना तो हम अपने जैसे ईश्वर भाई ला जिताए हमन ऐसे की खुशहाली में ना तो गले मिल गए हो तो आए गले मिल के आए हो मिल के आए हो हाँ बिल्कुल बहुत खुश हो गया मैं एकदम विधायक से मिले हो पहली बार जिंदगी में हाँ मन कन्हेरा पंचायत ग्राम कुर्रा से आखिरी छोर आखिरी एक मतलब साझा विधानसभा के क्षेत्र लास्ट बॉर्डर से हर है लास्ट बॉर्डर से आ की रान कूड़ता है ना तेने गाँव के वो कारे सर के नेरा कुर्रा लास्ट हाँ हाँ बहुत बढ़िया खुश हो गए ना एकदम खुश
ईश्वर साहू के निवास में हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लोग भीग के आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। उनसे मुलाकात के बाद लोग उनके घर भी देखने आए, तो ये घर देख सकते हैं किस तरह से है। ये ईश्वर साहू का घर है। अब चुनाव जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, शपथ ग्रहण के बाद जो है ऑफिशियल तरीके से वो विधायक बन जाएंगे। ये गली है ईश्वर साहू के घर की, और अब जो है उनका कहना है कि वो गाँव नहीं छोड़ेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे, यहीं रहकर वो क्षेत्र का विकास करेंगे और साझा में रहकर वो लगातार काम करेंगे। उनका कहना था कि क्षेत्र में विकास नहीं हुए हैं, अब विकास होगा। चलो ये सब अब तो ये विधायक के पड़ोसी बन जाइए बना ठन ससुर बेटा है ऐसे ना। हाँ पूरे घर के। हाँ एक ठन घर बनाते हाँ बहुत जन भर खाना देख लेते चलाओ। हाँ ऐसे ना, ये उनके रिलेटिव का घर है ईश्वर साहू जी के, और ईश्वर साहू जी घर के जो सगे संबंध वाले हैं यहाँ दे आलू मुरई गोभी कास का साग बना हुआ गोभी विधायक के परिवार मुरई आलू मुरई गोभी हाँ दार कतक जनमर खाना बना थे गिनती नहीं जी जन खा जाए दाने दाने में लिखे खाने वाले के नाम ईश्वर है ईश्वर ही सत्य है। ये नारा चलीस क्यों ईश्वर ही सत्य करके सत्य ईश्वर है ईश्वर ही सत्य है। बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया। ये आसपास वाले मन सब जिम्मा उठा डाले हैं और उठा ले थे बढ़िया किचन में खाना बना थे खाना उठ उठ के जावा जावा थे। चलो बढ़िया है अच्छा है। अब विधायक के पड़ोसी कहलाओ तुम ना अच्छा भैया का भैया है वाले एक परिवार है ना माना ये चुनाव इतिया तो इतिया ना जी थोड़ा से काबर डरा सकते हैं है लेती है करे जी अच्छा आप पहली हाँ 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 आप पूरा आप तो पहली दिन से रहे उस दिन भी आपसे मुलाकात थोड़ी से तो एक दिन प्रचार में भी आ रहा हूँ मैं नहीं जाना है तो बढ़िया जब टिकट मिली उस दिन कहा ली से आप मतलब रिस्पॉन्स किसी से कि भाई कैसे हुई अब अतक बड़े आदमी खिलाफ चुनाव लड़े टीम मिलीस ना त मोला तो नहीं रिस में अपन भैया मना कर रहे हैं पहली जेन हरे कि मना करें भैया अतक बड़े रिक्स मत ले हां ए दुखी डंडी हरसते हैं तोर साथ इतना बड़ घटना हो है बाकी जिंदगी अच्छा खुशी जी बहुत बड़े जिम्मेदारी विधायक के करके मैं मना कर रहे हूं कोई मना नहीं कर रही सतना जनता में जनता सोच के मना कर रहे हो सोच रहे हो फिर मोर भैया बोलिस थे जैसे बोला था जैसे मैं भी बोले हाँ मैं नहीं कहा था तो सब जन चल हम अनहन साथ में बोला थे ऐसे करके ले मैं तो मना करा था करके बोले रही से फिर ओखर बात पूरा कन्फर्म हो से जनता है पूरा गांव के मन भी पूरा जनता है जो अमित शाह है मोदी जी है ये सब मन बोला थे नेता मन बड़े बड़े की के ओखर कन्फर्म हो गए है ना तब कन्फर्म हो गए सब चाहता चल भाई कि फिर खुशी मन में इतना बड़े पद इतना बड़े देखा आम इंसान है नहीं जेन कई साल से जेखर उम्र गुजरा थे नेहे ये नेतागिरी वाले कार्यक्रम है मा तेन ला टिकट नहीं मिला थे ना ओला चुनत नहीं है कोई टिकट बर कई पैसा खोआ थे खर्चा करा थे है नहीं जनता के पीछे में वो मोर भैया नहीं करे खर्चा एक भी खर्चा नहीं करे फ्री में जनता पूरा सपोर्ट करा थे अब जेन भी पैसा है अपन अपन से सब करा थे सपोर्ट परिवारों मन घर के मन बस काम कर बता दे नागपुर में वहाँ रिक्शा चला है रोजी मजदूरी हुई रिक्शा चला जाए हाँ रिक्शा चला रही से 20-25 साल बताया दारी भाग मूल उखा के लिए हाँ रिक्शा चलात रही सब रही से वह रही 15-20-25 साल ले रही सोई अभी ते 4 साल पहली आए रही यहाँ रायपुर पूरा परिवार पूछे रहे नागपुर में हाँ आवाजाही कर रहे कभी फिर वहीं रहा है अब लड़की की शादी करी तब आए रही से ओखर बाद में दी है रही सब दे हो गए अब कहाँ अब तो विधायक बन गए भगवान है नहीं इतना ऊपर उठा दिस और मेन तो भगवान हमार नरेंद्र मोदी बाबू जी हर जे है ओखर सपोर्ट से मिली से है नहीं बहुत बहुत धन्यवाद है बोला कटोरी का सक ले जात हो वो सब्जी है कुछ भाजी है ये हमारे छत्तीसगढ़ी परिवार में ऐसे होते ना एक्सचेंज कर रहे थे कहा से आगे कहा से की करे बहुत बढ़िया आए? ये वाह दे दे कहाँ शर्मा के दाई तो हुआ अच्छा आप भतीजा अब तो विधायक बन गए हाओ चाची हम दादा ओखा चलो बढ़िया है आओ कहाँ जानते हो ईश्वर साहू जी के बारे में बचपन से आप देखा तो सामने बोला तो अब देखा तो हाँ दादा सब तुम्हारे आशीर्वाद से चीज जीती सब हमारे दादा है चलो बढ़िया है। तो ईश्वर साहू जी के बारे में आज जानकारी मिली इसकी नागपुर में जब रहा है ना तो वो रिक्शा चलाए करके और है रिक्शा चलाए ना और साग भाजी तक बेचे कहा बता दी से साग भाजी बेचिए ऋषि के
तो ओकर परिवार वाले उनके घर आसपास सब लगे हुए, सब खाना पीना व्यवस्था चला थे। और ये मतलब यकीन नहीं होते कि अब जो है विधायक बन चुके, काबर की अतक बड़े पोस्ट होते और अतक बड़े आदमी चुनाव हरा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो हम सोचें गांव में जाके आप ला बतान कि आपके पूरा रिपोर्टिंग करके दिखान कि कैसे गांव में माहौल है, कितना उत्साह माहौल है। काबर की दूर दूर से लोगन मन आवत जाते, पानी गिरत तब हो लोगन मन आवत जाते, गली खुचा में चूंकि उनका घर हवे सामने वो रोड हवे, और जो है ज़बरदस्त माहौल है भाई यहाँ पे गांव में। खबर की खुशवंत तो मैं जो है लगातार भीग भीग के दिखा था, और ये देख सकते हो कि जब मैं ये दिन आया रहूँ उस समय लास्ट टाइम, तो यहीं पे आके बोले रहे हूँ कि साझा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई ईश्वर साहू को कमल छाप में बटन दबाकर विजय बनाई, यहीं शुरुआत करे उस समय जब प्रत्याशी से। अब ईश्वर साहू जो है विधायक बन चुके हैं, विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। आपका कहूँ घर द्वार ला देख के परिवार वाले मन के बातचीत करें, उनके मन से कहा कुछ लगी से कमेंट करके जरूर बताऊँ। जय हिंद, जय जोहार।